मरून, ग्रे, ब्राउन, बेज, अगर इन कलर के कैजुअल पैंट्स आपके पास है, बहुत है। इस वीडियो में देखेंगे 10 कैजुअल पैंट्स, हर कलर के मैं आपको दो ऑप्शंस दिखाऊंगा, एक अफोर्डेबल, एक प्रीमियम। और पहला जो हमारा पैंट है वो होने वाला है ब्लैक कलर का। अब आप बोलोगे भैया ये तो कलर के रेंज में था ही नहीं। ब्लैक व्हाइट ऐसे कलर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेसिक एसेंशियल कलर्स होते हैं, इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली एक ऑप्शन मैं आपको जरूर दूंगा। ब्लेजर के यहाँ पर आपको बटन देखने को मिल जाएगा, मेटल के यहाँ पर आपको जिप देखने को मिलता है, ब्रांड का नाम है हाउस एंड सील, ये अमेज़न का अपना ब्रांड है। साइड में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है। बैक में भी आपको दोनों साइड में इनर पॉकेट्स देखने को मिलते हैं विद द बटन। बेल्ट के आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। साथ ही अगर एग्जैक्ट इसके फैब्रिक की बात करें, यहाँ पर लिखा होगा 100% कॉटन, यस, यानी किसी भी मौसम में आपको कंफर्टेबल फील करवाएगा। हालांकि अगर फिटिंग की बात करें, ये एकदम से बैगी फिट या ओवरसाइज फिट जैसा नहीं आता, ये एक स्लिम फिट कैजुअल पैंट है। पहनने के बाद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, डेफिनेटली फैब्रिक काफी ज्यादा स्मूथ है। हमने इसे अच्छे से पहन कर देखा, बैठ कर, उठ कर देखा, और कहीं भी वैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन एक छोटी सी बस मुझे कमी क्या लगी इस पैंट में, ये पैंट का फैब्रिक जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है। हालांकि इस छोटी सी कमी को ढक देती है भाई इसकी प्राइस, ये 550 रुपए का एक पैंट है। एंड ट्रस्ट मी बताऊं, एक ब्लैक पैंट अच्छा मिलना इस प्राइस में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। डेफिनेटली जाना चाहो इसके लिए हंस के जा सकते हो, लेकिन एक भाई की तरफ से ये सजेशन रहेगी कि कभी भी अगर ब्लैक पैंट खरीदते हो ना, थोड़े से पैसे लगाकर एक बेटर ब्रांड का ही प्रोडक्ट लेना, क्योंकि ब्लैक पैंट सबसे ज्यादा यूज होता है अपने वार्डरोब से। तो इसके एक दो और जो ऑप्शंस होंगे ना, वो मैं आपको ऐसे ही लिंक में ऐड करके दे दूंगा, जिन ब्लैक पैंट्स को मैं पर्सनली यूज करता हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट कैजुअल पैंट आ गया हमारे पास में, और ये कलर जो है वन ऑफ माय फेवरेट कलर है पूरे कलर कलेक्शन में, कलर है नेवी ब्लू। भाई आप जो भी कलर पहनो उसके साथ अगर आप इस कलर को पेयर अप करोगे ना, हमेशा जो पेयर है ना वो बेस्ट हो जाती है। ब्रांड का नाम है सिंबल, ये भी एक अमेज़न का ब्रांड है। यहाँ पर आपको क्लोजर के लिए बटन देखने को मिल जाएंगे, मेटल का आपको जिप देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कटेड पॉकेट नहीं बल्कि राउंडेड पॉकेट देखने को मिलते हैं, और डेप्थ की बात करें काफी ज्यादा अच्छी है। अंदर की जो फैब्रिक भी है ना वो भी पूरे कपड़े की बनी हुई है। ऊपर में आपको एक छोटा सा पॉकेट देखने को मिल जाएगा छोटी मोटी चीजें रखने के लिए। बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे, बैक में आपको दो पॉकेट्स देखने को मिलते हैं इनर साइड वाले पॉकेट्स है विद द बटन, एंड अंदर की तरफ आपको सिंबल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर फैब्रिक के कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर डेफिनेटली आपको 100% कॉटन मिलने वाला है। पहनकर मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी, लेकिन हाँ इसमें भी वही छोटी सी प्रॉब्लम, स्ट्रेच नहीं होता फैब्रिक। हमने जब पहना, बैठ कर देखा, उठ कर देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो स्ट्रेचनेस को ना उतना दिमाग में स्ट्रेच मत करना। प्राइस जो है इसकी वो किलर है भाई, हमने इसे खरीदा था 700 रुपए में, इसके आपको 6 एक्स्ट्रा कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि चल रही है अमेज़न पे प्राइम डे सेल, 1500 से भी ज्यादा प्रीमियम ब्रांड्स पे आपको 50-80% का ऑफ मिलेगा, तो ये बेस्ट टाइम है शॉप करने का। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर कलर के मैं आपको दो ऑप्शंस दिखाऊंगा, एक अफोर्डेबल और एक प्रीमियम। प्रीमियम के लिए हमने यहाँ पर ब्रांड सेलेक्ट किया है एलन सोली, और डोंट वरी प्रीमियम बोल दिया तो एकदम प्रीमियम नोट नहीं आपको गिनना होगा। एलन सोली का आपको यहाँ पर टैग देखने को मिल जाएगा, एक झलक में भाई प्रोडक्ट में आपको वो क्वालिटी फील होने लग जाएगी। यहाँ पर आपको क्लोजर के लिए बटन तो मिलता है, लेकिन उसमें शाइनिंग है, ब्रांडिंग है। जिप यहाँ पर आपको नॉर्मल सा देखने को मिल जाएगा, बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे, कट पॉकेट्स आपको देखने को मिलते हैं, डेप्थ इसमें काफी ज्यादा अच्छी है, और इसी पॉकेट के साइड में आपको एक छोटू पॉकेट भी देखने को मिलता है इनकेस अगर आपको कुछ चीजें अपने सारी चीजों से सेपरेट रखनी हो। बताओ तो क्या कमेंट में। बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दो इनर पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक हमारे पिछले पैंट्स की तरह। साइड में यहाँ पर एक खूबसूरत सा लोगो देखने को मिलेगा एम्ब्रॉयडर्ड एलन सोली का। अगर आप क्लोजली इसके फैब्रिक को भी देखोगे ना तो हल्का हल्का टेक्सचर ही है, एंड ओवरऑल फैब्रिक डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 99% कॉटन एंड 1% स्पेंडिक्स, ताकि ये पैंट हल्का हल्का स्ट्रेच हो सके। भाई पहनने में जो लुक एंड फिटिंग आती है ना, डेफिनेटली आपकी बॉडी अप्रिशिएट करेगी, ये इतना ज्यादा लाइट वेट एंड कंफर्टेबल लगता है। हालांकि देखो पैंट्स दो तरह के आते हैं, एक फॉर्मल पैंट आता है, कैजुअल पैंट आता है, लेकिन ये एक स्मार्ट कैजुअल पैंट है। इट मींस कि आप इसे एज अ फॉर्मल वे में भी पहन सकते हो, और आप चाहो तो कैजुअल वे में भी पहन सकते हो। जब आप पहनोगे ना तो ऑटोमेटिक ये वाली फीलिंग आपको आ जाएगी समझ में। ये पैंट आपको 1000 रुपए के अंदर में मिलेगा, आई मस्त सी डील है, एंड डेफिनेटली एक्स्ट्रा और डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि जब हम ये शूट कर रहे हैं ना, वो सेल से काफी पहले शूट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नेवी ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ प्रीमियम कैटेगरी में। ब्रांड का नाम है लुई फिलिप, मेरे भाई का फेवरेट ब्रांड है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर में जादू आपको देखने को मिलेगा ही, क्लोजर के लिए बटन, ऊपर में ब्रांडिंग, जिप की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मेटल का जिप यूज किया गया है।
बेल्ट के आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे, साइड में कट पॉकेट्स, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी, बैक में आपको वही दो पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे इनर साइड में, और साइड में जहां पर एलन सोली की ब्रांडिंग थी यहां पर आपको लुई फिलिप का लोगो देखने को मिलता है। ओवरऑल पैंट के लेंथ की बात करें या फिटिंग की बात करें ना भाई, क्या मस्त लगती है पहनने के बाद। लिटरली पहनने के बाद ना बहुत ज्यादा लाइट वेट फील हो रहा था। फैब्रिक हल्का हल्का स्ट्रेच भी होता है, तो मैं अपने पैरों को भी एकदम मस्त बल्ले बल्ले भांगड़ा तांगड़ा सब कर पा रहा था। और एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर आपको कॉटन 98% एंड 2% स्पेंडिक्स आपको देखने को मिलता है। हमने इसके लिए पे किया है 1450 रुपए, तो तीन रेंज मैंने आपको दे दिए, 600 के आसपास, 900 के आसपास और 1400 के आसपास। आप जाना चाहो किसी के लिए भी जा सकते हो। हालांकि एक चीज याद रखना, कॉटन पैंट चाहे कितना भी महंगा लो या कितना भी सस्ता लो, हल्का फुल्का कलर लूज करता है, तुरंत नहीं करता, लेकिन ओवर द टाइम होगा और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेट्स गो। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा मस्ट हैव जो कलर है वो है भाई ग्रे कलर। मैं इतना उछल उछल के ऐसे दिखाता हूं जैसा लगता हूं चंकी पांडे बोल रहा है। कभी कभी मेरे जो है ना, मुझे ही समझ में नहीं आता। ब्रांड का नाम है इनकास डेनिम, ये भी एक अमेजोन का ही ब्रांड है। देखो मैंने इसलिए अमेजोन के ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड किए ना, क्योंकि अमेजोन अपने प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ना कम प्राइस ऑफर कर पाता है, जिसके कारण हमें ही फायदा होता है, तो क्यों ना उठाएं। यहाँ पर इसकी एमआरपी लिखी हुई है 2999 और एंड की प्राइस सुनकर जाना आपको काफी सरप्राइज करेगी। ये एक सॉलिड ग्रे कलर का पैंट है, कैजुअल पैंट है। अगर आपको कार्गो पैंट पे वीडियो चाहिए, ऑलरेडी हमने बहुत सारे बनाए हुए। अगर आपको ट्राउजर्स पे वीडियो चाहिए, हमने बहुत सारे बनाए हुए। ये स्पेसिफिक कैजुअल पैंट की वीडियो है। ट्राउजर के लिए आपको यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएगा, मेटल का आपको जिप देखने को मिलता है, साइड साइड में कट पॉकेट्स, डेप्थ डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी है। हम सारे प्रोडक्ट को दिखाने से पहले काफी अच्छे से टेस्ट करते हैं और जितने भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं वो भी शेयर करते हैं, काफी इस वीडियो में भी हुए हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बैक में आपको वही सेम डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, दो इनर पॉकेट्स, लेकिन यहाँ पर आपको कोई बटन नहीं मिलता। ट्राउजर के फ्रंट में आपको दो स्टिचिंग्स की थोड़ी सी डिटेलिंग्स देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण इसमें वो कैजुअल वाली वाइब आती है। रेगुलर फिटिंग के साथ ये आता है, अंदर की तरफ जितनी भी लाइनिंग है, स्टिचिंग्स है, वहां पर आपको कहीं भी कमी नहीं फील होगी जितना प्राइस आप पे करने वाले हो। एमआरपी को याद रखना 3000 रुपए। एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 98% कॉटन एंड 2% इलास्टीन, यानी ये हल्का हल्का स्ट्रेच होता है। ग्रे कलर एक ऐसा कलर है जिसे आप एंडलेस कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको उतना स्टाइल करके नहीं दिखाया ताकि आप प्रॉपर प्रोडक्ट पर फोकस कर पाओ ताकि आप प्रॉपर प्रोडक्ट पर फोकस कर पाओ। बॉटम ही है ज्यादा ब्रॉड नहीं, एकदम मस्त सी फिटिंग आती है। ओवरऑल कहें तो एक ऐसा पैंट है जिसे हर कोई पहन सकता है। हालांकि वो जो मेरा ब्लू वाला मोजा है ना, अगर स्टार्टिंग से नहीं नोटिस किया तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, एंड जाते जाते भाई इतना वाहियात लगने लगेगा ना हर कॉम्बिनेशन के साथ, आपको मजा आ जाएगा देख के। लेट्स गो फॉर द प्रीमियम ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा प्रीमियम ब्रांड है वो है लुई फिलिप। इस पर्टिकुलर कलर की बात करें, डेफिनेटली ये ग्रे कलर होने वाला है, क्योंकि ये पहले वाले पैंट का एक प्रीमियम ऑप्शन है। ट्राउजर के लिए यहाँ पर आपको बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मेटल का जिप देखने को मिलता है, साइड में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, बैक में भी आपको वही दो इनर वाले पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा खींचते नहीं है क्योंकि वो सब में सेम ही होता है। साइड में आपको सेम प्लेस पे लुई फिलिप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, बेल्ट के आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात कर, भाई यहाँ पर दो एक्स्ट्रा बटन दिए हुए हैं। यहाँ पर यूज हुआ है 98% कॉटन एंड 2% स्पेंडेक्स, यानी कि ये पैंट भी हल्का हल्का स्ट्रेच होता है। अगेन वही, चूंकि ये एक ब्रांडेड पैंट है, डेफिनेटली वो प्रीमियम फीलिंग आपको आपके टांगों में देगा, कंफर्टेबल, लाइट वेट, एरी फील होता है। हालांकि अगर आप क्लोजली देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको एक टेक्सचर सा फील होगा, तो ये एकदम से सॉलिड ग्रे नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कलर है ना जिसे आप डे टाइम में चाहो तो आराम से पहन पाओगे, लेकिन आप इवनिंग्स के वक्त भी या पार्टीज में भी पहनोगे ना, कहीं से भी आपको एक बुरा लुक नहीं देगा। एमआरपी है इसकी 2499 रुपए। देखो ब्रांड वाइज मैं इसे भी बहुत अच्छी प्राइस कहूंगा, लेकिन चूंकि आप वन चांस से शॉपिंग कर रहे हो, ये आपको 1400 रुपए के आसपास में मिल जाएगा तब जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी अमेज़न पे सेल चल रही है, तो आप डेफिनेटली इससे कम प्राइस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा मस्ट हैव कलर है भाई, ये मरून कलर। पैंट को तो मैं ऐसा करता हूं जैसा लग रहा है कि मार्गरीटा पिज्जा बन रहा है। जस्ट लुक एट दिस भाई, अगेन ब्रांड होने वाला इनकास डेनिम। एमआरपी इसकी 3299। इन रियल प्राइस आपको एकदम अंदर से स्पार्क पैदा कर देगी। फ्रंट में आपको दो नाड़े देखने को मिलते हैं कॉटन वाले, जिसे आप अंदर ही रखना लेकिन टाइट कर लेना ताकि सरके नहीं अपनी इज्जत। साइड में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, अंदर की डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन पॉकेट की जो ओपनिंग है ना मेरे हाथ के हिसाब से थोड़ी सी छोटी है, वो मेरे हाथ की प्रॉब्लम है पॉकेट की नहीं। बैक की तरफ में आपको दो पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, साइड साइड में यहाँ पर आपको पॉकेट्स देखने को मिलते हैं। आई नो मैंने बोला था कार्गो पैंट्स नहीं होगा, लेकिन ये कार्गो पैंट इतना सिंपल है कि एकदम कार्गो सा लगता नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि ऐड कर देते हैं। पॉकेट के ऊपर में आपको इनकास डेनिम की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ऊपर में आपको इलास्टिक वाली डिटेलिंग्स देखने को मिलेगी। ओवरऑल मेन बात है भाई, इसका कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत मरून
कलर आप इसे बोल सकते हो। हालांकि एकदम से ही मरून नहीं है, थोड़ा सा ब्राउनेस या वाइन टाइप का शेड है इसमें, जो भी ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और सबसे प्यारी चीज है इसकी प्राइस जो की है 650 रुपए के आसपास की, और कलर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं टोटल 9। नीचे से पैंट बिल्कुल ही एकदम नैरो सा नहीं लगता, लेकिन हाँ अभी आप देख लो कि भाई वो ब्लू वाला मोजा कितना गंदा लग रहा है इस पैंट के साथ। हमने बस इसलिए पहना हुआ है ताकि आपको अच्छे से इसकी लेंथ वेंथ समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा मरून कलर का ऑप्शन डेफिनेटली एक प्रीमियम ब्रांड से आएगा, ये है एलन सॉली का एक मरून पैंट। अब देखो मरून मतलब एकदम ही मरून सा चमकता हुआ बीटरूट जैसा पैंट नहीं ले लेना है, आपको एक सटल कलर लेना है ताकि आप कहीं ऑफिस में कॉलेज में जाओ तो भाई ये मैच्योर वाली लुक आए, चमचूर वाली नहीं। ब्लेजर के लिए यहां पर आपको बटन देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल सा जेब देखने को मिलता है, कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, साइड में आपको छोटा वाला पॉकेट देखने को मिल जाता है। कॉम्पोजिशन यहां पर आपको मिलता है 98% कॉटन 2% स्पंडेक्स, यानी हल्का हल्का स्ट्रेच होता है, पूरा कॉटन जैसा आपको हल्का हल्का फील होगा। बैक की तरफ में आपको वही सेम डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, साइड में आपको वही छोटू सा लोगो देखने को मिल जाएगा एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। सारे पैंट्स की जो डिजाइनिंग होती है ना ऑलमोस्ट सेम ही होती है, मेनली आपको पसंद करना है ब्रांड प्राइस एंड कलर, बाकी सारी चीजें हम सॉर्ट कर दे रहे हैं। नीचे से ये एकदम ही नैरो नहीं हो जाता, ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, और जो पहनकर दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसका मंगाया था 30 नंबर और आ गया 28 नंबर, तो मैं पहन नहीं पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। और एग्जैक्ट अगर कलर की भी बात करें, ये आपको एकदम से मरून नहीं फील होगा, इसमें मरून हल्का हल्का थोड़ा सा वाइन कलर का भी टिंट है, लेकिन पता नहीं अमेज़न पे ब्राउन क्यों लिखा हुआ था। नेक्स्ट कलर हम भाई कवर करने वाले हैं बेज, और ये पैंट इस पूरे वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट पैंट है इन एवरी एंगल, वो कैसे आप देखते जाओ। ब्रांड का नाम है कार्गिन्स, एक नॉर्मल सा ब्रांड है, बेज कलर का आपको पूरा पैंट देखने को मिल जाएगा, ये बेज और क्रीम के आसपास का समझो। फ्लोजर के लिए आपको बटन देखने को मिलता है, नॉर्मल सा आपको जीप देखने को मिल जाएगा, कट पॉकेट आपको देखने को मिलता है, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है, साइड में आपको छोटू पॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, बैक की तरफ में आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, बेल्ट के लिए आपको लूप देखने को मिलते हैं, और बस यहाँ पर वो ब्रांडिंग नहीं है जो किसी प्रीमियम ब्रांड में होती है। एग्जैक्ट अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन को हाइड किया गया है, लेकिन अगर फील करके बताऊं ना तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉटन एंड स्पेंडेक्स का ब्लेंड फील हो रहा है। अब रेशियो क्या है वो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जब हमने इस पैंट को पहन कर देखा था भाई, कहीं से भी ये पैंट 700-800 रुपए के आसपास का नहीं लग रहा था, बहुत अच्छी फिटिंग आ रही थी। एक बार के लिए मेरे भाई ने मुझसे पूछा भी कि ये कौन से ब्रांड का पैंट है, मतलब ऐसा टीम को लगा कि ये किसी प्रीमियम ब्रांड का पैंट है। इसके आपको 9 एक्स्ट्रा कलर्स देखने को मिल जाएंगे, हालांकि दूसरे कलर्स में प्राइस थोड़ी सी 50-100 रुपए इधर उधर है, लेकिन देखो ये प्राइसिंग वाली प्रॉब्लम ना मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइसेस हम डिसाइड नहीं करते, तो प्लीज कमेंट में प्राइसेस को लेकर ना भाई कोसा मत करो। अगर मैं सेलर होता मैं एकदम टप्पा मार के रखता कि 700 में बेचेंगे तो 700 में बेचेंगे, लेकिन हम बेच नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। अब देखो बेज कलर के प्रीमियम पैंट के साथ हुआ क्या कि हमने मंगाया था एलन सॉली का ये वाला पैंट, लेकिन हमें भाई पकड़ा दिया ये हाफ पैंट किसी अदर ब्रांड का, आई एम सो सॉरी हम दिखा नहीं सकते आपको वो पैंट, लेकिन हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं ताकि हम आपके बीच एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके, आप हमें समझ सके कि हम आपके लिए कितना सोचते हैं, जो चीजें बिहाइंड द सीन्स होती है वो भी आपको शेयर करते हैं। ऑलराइट नेक्स्ट कलर ऑप्शन हम दिखा रहे हैं आपको भाई ब्राउन। अब ये ब्राउन क्यों नहीं है उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे साथ भी भाई बहुत बुरा होते रहता है। ब्रांड का नाम है थॉमस स्कॉट, उसका टैग पता नहीं कहां चली है। क्लोजर के लिए आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, यहां पर आपको नॉर्मल सा जिप देखने को मिलता है, साइड में आपको कट पॉकेट देखने को मिलते हैं, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है, बैक की तरफ आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएगा, पीछे आपको किसी जींस की तरह यहां पर थॉमस स्कॉट की यहां पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, बेल्ट के लिए आपको लूप देखने को मिलते हैं, फ्रंट में आपको दो हेलीकॉप्टर की डैनिया देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 98% कॉटन एंड 2% लाइक्रा, यानी ये पैंट का फैब्रिक भी मस्त से स्ट्रेच होता है, और अच्छी बात क्या है कि इस कॉटन के ऊपर में आपको लिनन जैसे टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे। लिनन पैंट पे भाई हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और बताया हुआ है कि क्या होता है एक्चुअल लिनन में लोचा, पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, प्रीमियम लग रहा था। बेस्ट चीज लगी मुझे इसकी भी प्राइस भाई 850 रुपए का ये पैंट है, इसके आपको 4 एक्स्ट्रा कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही हमने इसे ऑर्डर किया था ब्राउन कलर और ब्रांड ने ये कलर हमें चपका दिया। पहली बार ऐसा हुआ ना भाई कि एक ही वीडियो में इतनी सारी धोखा धड़ियां हुई है, लेकिन जो भी धड़ियां धड़ियां हुई है हम सारी धड़ियां को धड़ से अलग कर देंगे। ओवरऑल आप इस पैंट के लिए भी हंस के जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बिना बताए ब्लैक कलर दिखाया, वैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक ऑलिव ग्रीन कलर, जिसे भी आप एज अ मस्ट हैव कलर में ऐड कर सकते हो। ब्रांड का नाम है डेनिस लिंगो, एक और बहुत जबरदस्त ब्रांड भाई, इसकी प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 2800।
भाई डिस्काउंट आपको बता दो क्या तगड़ा मिल रहा है। ऑलिव ग्रीन कलर का ये एक सॉलिड पैंट है, जहाँ पर आपको क्लोजर के लिए बटन देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल साइज देखने को मिल जाएगा, साइड में आपको कट पॉकेट्स मिलते हैं, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर आपको कोई छोटू पॉकेट नहीं मिलता। आंख बंद करिए। बैक की तरफ में आपको दो इनर पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे। फैब्रिक के अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर आपको कॉटन मिलता है एंड स्पेंडिक्स मिलता है। लेट्स गेस, यहाँ पर आपको 98% कॉटन एंड 2% स्पेंडिक्स मिलता है। इन्फॉर्मेशन ही नहीं लिखी भाई, इज्जत बचा ली है भगवान ने। नीचे की तरफ की अगर फिटिंग की बात करें, बिल्कुल ही नैरो सा नहीं फील होगा। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ उससे आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। एंड बेफिक्र होकर एक चीज याद रखना कि जितनी भी बुरी चीजें होती है ना, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अगर होती है तो। बाकी इस पैंट में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी। इसकी जो प्राइस है आपके लिए एक छोटी सी सरप्राइज है, और इसके आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी एक पैंट पसंद कर लो अगर किसी की प्राइस अच्छी लग रही है तो, और किसी भी कलर के लिए हंस के जा सकते हो। बाकी इसे भी हमने पहना, उठ कर देखा, बैठ कर देखा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, और एट द एंड तक वो मोजा बहुत ही गंदा लग रहा था। एंड अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके, हाई को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। डिमांड मचाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।